हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है मखाने काजू की सब्जी। मैंने पैन रख दिया है, उसमें मैं घी डाल दूंगी। आप तेल भी डाल सकते हैं। घी मेरा गरम हो गया है, अब मैं जीरा डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी। हींग डालने के बाद में जीरा देखो मेरा सिक चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और मिर्च और अदरक वो मैंने बारीक काटी है। आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लहसुन डालना चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा चलाऊंगी। थोड़ा नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे। अब मेरी प्याज भून चुकी है, अब इसमें मैं मटर डाल दूंगी, जिससे मटर भी थोड़ी हमारी सिक जाएगी। देखिए मेरी मटर भी भून चुकी है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर की प्यूर है, अब वो मैं भी इसमें भी मिक्स कर देंगे। अब इसको दो तीन मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। दो तीन मिनट हो गए, अब मैं इसको हटाती हूँ। देखिए अब हमारा घी भी इसमें से निकल चुका है और अब देखिए हमारे प्याज और टमाटर ये सब हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। एक चम्मच धनिया डालूंगी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम चलाएंगे और ये सारे मसाले हम मिला लेंगे। इसका पानी डालेंगे जिससे ये मेरा मसाला है वो भून जाएगा। घी मखाने और काजू वो मैंने पहले घी में डाल के और थोड़ा सा भून लिया था पैन में रख के, तो थोड़ा सा ये भुने हुए हैं मखाने और ये भुने हुए ही काजू हैं, तो ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, बस पानी इतना डालेंगे कि ये बराबर लेवल में आ जाए। बस ये पानी डालेंगे। आप यदि ज्यादा रसा वाले खाएं तो आप रसा ज्यादा डाल सकते, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। अब इसको मैं ढक दूंगी, दो तीन मिनट के लिए ढक दूंगी। और देखिए दो मिनट हो गए हैं, ये देखिए अब हमारे सब्जी बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी अमचूर पाउडर डालेंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। गैस अब हम बंद कर देंगे। अब हमारे मखाने काजू की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। आप ये देखिए बहुत पौष्टिक होती है, आप इसको बच्चों को जरूर खिलाइए, बनाइए और खाइए और खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।